हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिजियस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 में आए हुए सभी चक्रवात और साथ में हम देखेंगे 2020 में आए हुए सभी चक्रवात। तो इसमें पहला चक्रवात है तावते चक्रवात, जो अभी हाल ही में इस समय आया हुआ है और यह गुजरात और महाराष्ट्र को काफी बुरी तरह से प्रभावित किया है और साथ में केरला और कर्नाटका को भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र को किया है। तो आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की, और यह अरब सागर में आए हुए, अरब सागर यहाँ पर है। ये जो भी सागर है ये अरब सागर है और इसकी जो रफ्तार है वो 140 किलोमीटर से 175 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस चक्रवात ताऊते चक्रवात का जो नामकरण किया गया है वह म्यांमार के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ताऊते चक्रवात से इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है यास चक्रवात, जो अभी तक आया नहीं है, लेकिन यह चक्रवात 23 मई से 26 मई तक आ सकता है ऐसा बताया गया है। तो यह मई यह कहाँ पर आएगा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित पूर्वी राज्यों को प्रभावित करेगा। तो कहाँ पर है यह, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल है, यह उड़ीसा है और इसके साथ में यह पूर्वी राज्यों को प्रभावित करेगा और यह बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में आएगा। और इसका नामकरण किया गया है इस यास चक्रवात का ओमान के द्वारा और यह बंगाल की खाड़ी में आएगा। यह अभी आया नहीं है, 23 से 26 मई के बीच आएगा। नेक्स्ट है निसर्ग, यह 2020 का चक्रवात है। कुछ अब हम प्रीवियस ईयर चक्रवात भी देख लेते हैं। यह महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था। यह अरब सागर में आया था और इसकी चाल जो थी रफ्तार 90 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस निसर्ग चक्रवात का जो नामकरण है वह बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। तो चक्रवात से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर 2020 और 21 के हम सभी चक्रवात कवर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है निवार तूफान, निवार चक्रवात, यह तमिलनाडु और पुडुचेरी में आया था। यह कहाँ पर है, मैप में आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु है और यह पुडुचेरी है। नेक्स्ट चक्रवात है बुरेवी चक्रवात, यह तमिलनाडु में आया था। तो ये 2020 के चक्रवात है, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह चक्रवात भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अम्फान, यह 2020 में आया था, प्रभावित किया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को। यह उड़ीसा है और यह पश्चिम बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, बंगाल की खाड़ी में, और इसकी रफ्तार जो थी वह 221 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इस अम्फान चक्रवात का जो नामकरण था वह थाईलैंड के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना है, नामकरण थाईलैंड के द्वारा। अम्फान चक्रवात 2020 में आया था और यह बे ऑफ बंगाल को प्रभावित किया था और ओडिशा और वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया था और बे ऑफ बंगाल में आया था। नेक्स्ट है बुलबुल तूफान, यह प्रभावित किया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को, बंगाल की खाड़ी में ही उत्पत्ति हुई थी। लेकिन यह बुलबुल तूफान ध्यान रखना है आपको 2019 का है, काफी फेमस रहा है इसलिए यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। और इस बुलबुल तूफान का जो नामकरण है वह पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हाइसेन तूफान, अब तक हमने देखा भारत के तूफान जो भी 2020 में आए हुए थे, अब हम देख रहे हैं विश्व के तूफान जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बाहर आए हुए हैं। तो पहला है इसमें हाइसेन तूफान, यह जापान में आया था, जापान की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं, ये जापान है। मयस्क तूफान, यह भी जापान में आया था। और फिलीपींस में आया था गोनी तूफान और वामको तूफान। गोनी और वामको 2020 में आए हुए थे या फिलीपींस में आए थे, और फिलीपींस की लोकेशन आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर ये चाइना है, ये म्यांमार है, और यहाँ पर यह वियतनाम है, यह थाईलैंड है, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ से आप ताइवान, और यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं ये साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया है। तो यहाँ से आप इसकी लोकेशन भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है तूफान लोटा, यह निकारागुआ और होंडुरास में आया था। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मध्य अमेरिका में है, निकारागुआ और होंडुरास, यहाँ पर ये पनामा सिटी है। तो यहाँ से आप लोकेशन याद रखिएगा, मध्य अमेरिका में निकारागुआ और होंडुरास में तूफान लोटा आया था, 2020 में आया था ये, और तूफान एटा भी निकारागुआ और होंडुरास में आया था। नेक्स्ट है डायने तूफान, यह मेडागास्कर में आया था, यह अफ्रीका महाद्वीप है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर यह मेडागास्कर है इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट है इसके बाद आप हम देख लेते हैं तूफान का नामकरण कैसे किया जाता है। तो नामकरण की शुरुआत 2000 में हुई थी, 2004 में हुई थी इसकी शुरुआत,
और यह जो नामकरण किया जाता है, या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तूफानों का नामकरण 8 देशों के द्वारा किया जाता है। तो जो हमारे भारत देश के बगल में जो यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे जो भी तूफान आते हैं इनका नामकरण 8 देशों के द्वारा किया जाता है। उनमें पहला है भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, इन सभी देशों के द्वारा किया जाता है। अब हम देख लेते हैं भारतीय मौसम विभाग के बारे में। इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था और वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान समय में महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्र। भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारतीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान के बारे में भी जान लीजिए। विश्व मौसम विभाग है ये, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है और यह विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, यह मैंने अभी आपको बताया। तो इस वीडियो में हमने देखा 2020 और 21 में आए हुए जो भी इम्पोर्टेंट चक्रवात थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।